नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के द्वारा महानगर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके संबंध में अध्यापक शहनवाज खान ने बताया कि ये मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है, जिससे अपने मतदाता अपने मतों का उपयोग जान सकें कि वो अपने मत से क्या कर सकते हैं, इस संबंध में जागरूक हो सकें। उन्होंने बताया कि वोट देकर हम एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के अध्यापक शहनवाज खान ने कहा, ये मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है, ताकि मतदाता अपने मतों का उपयोग जान सके और इससे क्या कर सकते हैं, हाँ, अपने विकास के लिए अच्छे लोगों को वोट दे सके और अपने अधिक से अधिक मात्रा में वोट देने का काम करे, जिसे एक अच्छी सरकार बन सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? राष्ट्रीय मतदाता दिवस में यह संदेश देना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को एक अच्छे और ईमानदार प्रत्याशी को चुनना चाहिए। अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को जब वो भेजेंगे तो आपका अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करेगा, जिससे आपका आपके क्षेत्र का विकास भी होगा। मैं देशवासियों को सूचित करना चाहूँगी कि हम लोग को जागरूक होना चाहिए और भारत माँ की सेवा में लगे रहना चाहिए। मैं एक कविता भी सुनाना चाहूँगी अपनी खुद की। मैं भारत, कविता तिवारी की कविता सुना रही हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गए शीश बैरी के सामने झुकाते हैं, मर जाऊंगी लेकिन मैं नमन उन्हें कर नहीं सकती। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के परिसर में नौ मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़कर नए मतदाताओं से सीधा संवाद किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय ने बताया कि ये नौ मतदाता सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किया गया है। गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने कहा, जो नए वोटर हैं वो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे सभी मतदाताओं को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। गोरखपुर के 4 लाख नए मतदाता प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ेंगे और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, इसलिए नए मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये मतदाता मतदान करके भारत को अखंड बनाने में अपने योगदान देंगे। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जब 2014-2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की कमान संभाले, तो इस देश की युवा शक्ति को क्या करना, इस युवा शक्ति को भारत के निर्माण में, भारत के नए भारत के निर्माण में हमारा क्या योगदान हो सकता है। हम राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मान करके काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और मैं विशेष तौर पर आप तब नौजवानों से आज के अवसर पर केवल निवेदन करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं कि नौजवान साथियों, जब से इन नौजवानों भारत आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि अब भारत में केवल 4 जातियां, एक हमारी गरीब जाति है, एक हमारी नौजवानों की जाति है, एक हमारी महिला की जाति है और चौथा हमारी लाभार्थी की जाति है। सम्मेलन के कल्पना जी,
और लगातार मार्गदर्शन करकर इस कार्यक्रम का सफलता में हम सबको मार्गदर्शन दिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी मैं आप सब की ओर से इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उपस्थित होना मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं तमाम मतदाताओं को जो लगभग 5,800 स्थानों से बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अपील पर आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस संबंध में गोरखपुर नीस से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सचिदानंद राय ने कहा, ये हमारे नव मतदाता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और विशेष तौर पर गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभाओं के सभी विधानसभा स्तर पे 2 स्थानों पे नमो मतदाता सम्मेलन रखा गया। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, भारत का भाग्य निर्धारण करने जा रहे हैं, ऐसे सभी नौ मतदाताओं का सम्मेलन को हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उनको संबोधित करेंगे और मुझे लगता है कि गोरखपुर के नौ मतदाताओं का मिनिमम 4,00,000 ऐसे नौ मतदाता जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ेंगे और भारत के भाग्य में नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस संदर्भ में आज गोरखपुर के इस एमजी कॉलेज में एक कार्यक्रम है, मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी नौ मतदाताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आज इसमें जुड़ करके भारत के नए निर्माण में अपना सब योगदान देने का काम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक मतदाता की शपथ दिलाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, लोगों में जागरूकता के लिए सभी को शपथ दिलाया गया है। इसमें जो 18 वर्ष के नए वोटर बने हैं उन बच्चों को सम्मानित किया गया है जिससे ये वोट करके यूथ आइकॉन बन सकें और जितने भी अभी वोटर बचे हुए हैं उनको भी वोटर बनाया जाएगा जिससे कि वो दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकें, मतदान जरूर करें। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी, SDM कुमार सौरभ, ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, तहसीलदार सदर विकास सिंह, नायब तहसीलदार विकास कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे, मैम से अनुरोध करेंगे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मैम, बैच अलंकरण साथ ही हम एक बार पुनः रिस्पेक्टेड बुक कैप मंच पर उपस्थित विनम्र अनुरोध है कि सर शपथ के द्वारा, मतदाता शपथ के द्वारा, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूरी आस्था रखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष। इस संबंध में गोरखपुर नीस से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, आज नेशनल वोटर्स डे है और आज बेसिकली हमारे यहाँ सेंट एंड्रयूज में एक कार्यक्रम रखा गया था वोटर अवेयरनेस के लिए। तो बेसिकली आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ नए वोटर्स बने 18 से 19 के बीच में उन बच्चों को सम्मानित करना, जो अच्छे BLOs काम किए उनको सम्मानित करना और इनको प्रेरित करना कि ये हमारे एक आइकन बने और जो छूटे हुए अभी भी वोटर्स बचे हुए हैं 18 प्लस में उनको आप वोटर्स बनाएं ये लोग और जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें वोटिंग तक का प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करें एक्टिवली और लोगों को प्रेरित करें कि ये अपना मताधिकार का। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने मतदाता जागरूकता के प्रचार वाहन को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि ये प्रचार वाहन सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करेगा जिससे कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सकें। ये LED वैन है, इसमें अलग अलग तरह का वीडियो चलेगा जिससे लोग वोट देने के लिए जागरूक होंगे। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, ADM फाइनेंस विनीत कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में
गोरखपुनी से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और ये भ्रमणशील होकर लोगों को अवेयरनेस में, चूँकि LED वैन है तो इसमें अलग अलग वीडियोस हमें बना के इसमें अपलोड किया है ताकि लोगों को हम लोग इलेक्शन प्रोसेस के प्रति जागरूक कर सकें। सदर सांसद रवि किशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोके जाने पर कहा कि राहुल गांधी को अयोध्या आना चाहिए था, वहां पर वो प्रलाप कर रहे, मैंने उनका भाषण सुना, उनके लोग बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, आप लोग पदयात्रा पर निकले हैं कि पुलिस को मारने निकले हैं, आप लोगों ने पुलिस को मारकर टांग तोड़ दिए हैं, जबकि आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी लेकिन आप पुलिस की टांग तोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, रोका गया तो देश में पूरा प्रदर्शन कर रही गांधी, तो उनके हर आय के छात्र है, अयोध्या में आय के छात्र है, वहां पर वो प्रवोक कर रहे हैं, उनके भाषण हम सुने, उनके लोग वहाँ बैरिकेड तोड़ रहे हैं, वहाँ पुलिस को मारा जा रहा है, मतलब आप लोग पद यात्रा पे निकले हैं कि पुलिस को मारने निकले हैं, आप वहाँ पुलिस को मार के सबकी टांग तोड़ दी, आप लोग कैसे आप पद यात्रा, मतलब आप लोग तो भारत जोड़ो यात्रा था, आप तो पुलिस की टांग तोड़ो यात्रा पर निकले हैं। गोरखपुर जिले के थोक दवा विक्रेता सरकार के साथ परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की खपत का डेटा साझा करेंगे, इसके अलावा पोस्टर के जरिए साधनों के बारे में खुद तो प्रचार प्रसार करेंगे ही, साथ ही खुदरा विक्रेताओं के जरिए भी जन जन तक परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी पहुंचाएंगे। इस संबंध में जिले के दर्जनों थोक दवा विक्रेताओं का मंगलवार की देर रात तक संवेदीकरण किया गया। थोक दवा विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष रोगेंद्र नाथ दुबे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज आनंद की मौजूदगी में PSI इंडिया संस्था की मदद से यह आयोजन शहर के एक निजी होटल में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा कि छोटा परिवार देश की तरक्की का आधार है, मातृ शिशु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परिवार नियोजन के साधन काफी महत्वपूर्ण है, मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने में भी इनकी अहम भूमिका है, इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रत्येक दवा विक्रेता के लिए संकल्पित है। थोक दवा विक्रेता विभिन्न साधनों के खपत की जानकारी साझा करेंगे ताकि उनका विश्लेषण कर सरकार मजबूत कार्य योजना बना सके, साथ ही प्रत्येक दुकान के बाहर पोस्टर लगवा कर लोगों को जागरूक करने में भी योगदान दिया जाएगा। हमारे सम्मानित मंच पर पंकज आनंद जी, डॉक्टर के वर्मा जी, हमारे संयोजक संतोष श्रीवास्तव जी और हमारे सबसे अभिन्न अंग जिनको हम औषधि कुबेर भी कह सकते हैं, और इन लोगों के बल पे आज मैं यहाँ हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से आज भला जो आयोजित की गई है, जैसे उसमें जो ड्रग्स आते हैं कि अनवांटेड 72 आ गया, मालाडी आ गया, ओबरालियल आ गया, मल्टीलोड और तमाम कॉपर्टी ऐसी चीजें हैं जिनको आज देश में जब से आपको लगता है मोदी सरकार आई बेटा दोनों का महत्व बहुत बढ़ गया है, तो दाता तो आप सभी हरी हो, जो व्यापारी है वो दाता ही है, वो जब जहां जरूरत पड़ती है वहां देता ही है, और अगर हम लोग अपना डेटा रखें प्रोवाइड कराते हैं तो देश का भविष्य भी अच्छा होता है, और डेटा हमारे पास है, जैसा कि GST है, इनकम टैक्स है और तमाम चीजें हैं, डेटा हमारे पास है तो कोई भी अधिकारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो आजकल सारी कहानी डाटा और डेटा की ही है, तो भी है क्योंकि भारत को निभानी है तो हमको सरकार का साथ देना पड़ेगा, जैसे वो इस्तेमाल करते हैं और उससे मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है, दो बच्चों के अंतर अगर रखना है, पहले बच्चे तुरंत हो जाते थे जिससे उनका उससे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर इन दोनों में भी अंतर आया है, तो किसी देश को विकसित करने के लिए, किसी समाज को विकसित करने के लिए हमारी सबसे अहम भूमिका है, और हम तो स्वास्थ्य रक्षक हैं, हम जो है पूरे देश के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, कोई घर है जहां अगर खाना जाता है तो हमको लगता है हर घर में दवाई जाती है, और दवाई का व्यवस्था, दवाई की भंडारण, दवाई का रख रखाव शायद हमारे व्यापारी। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व संध्या पर महानगर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों, होटल, रोडवेज, बस स्टेशन सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया, साथ ही संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग भी कराई गई। SP City कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से भी संवेदनशील स्थानों की चेकिंग कराई जा रही है, शांतिपूर्ण माहौल में गणतंत्र दिवस को संपन्न कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए SP City कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, कल देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, 26 जनवरी
24 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को अंगीकृत किया था। अब गोरखपुर शहर में उसी को दृष्टिगत रखते हुए कल ड्रोन के माध्यम से और प्रातःकाल में और आज रात्रि में भी पोस्टर पार्टीज निकाली जाएंगी। जगह जगह चेकिंग की सुविधा की गई है और किसी प्रकार की कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हो इसके लिए प्रॉपर फ्रेस्किंग चेकिंग और रात के समय भी ड्रंकन ड्राइव इस तरीके की तमाम तरीके की चेकिंग है इसके लिए टीमें बनाई गई है, गठित कर दी गई और आज शाम से ये सुरक्षा व्यवस्था है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर गौ तस्करी का अपराध कारित करने वाले गिरोह के 6 अपराधियों के विरुद्ध बड़लगंज थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि गैंग बनाकर गौ तस्करी का अपराध कारित करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर नौशाद पुत्र इम्तियाज व 5 सह अभियुक्तों नवनीत कुमार श्रीवास्तव, विपिन यादव, राहुल यादव, रामभुज यादव व विकास यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, गोरखपुर में एसएसपी सर के द्वारा अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों के विरुद्ध लगातार जो कार्यवाही किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है उसी के क्रम में थाना बड़लगंज के ऊपर 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग में जितने भी अभियुक्त हैं वो पूर्व में गैंग बनाकर गौ तस्करी के अपराध में संलिप्त रहे हैं और नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय से इसकी अनुमति प्राप्त करने के बाद गैंग चार्ट अनुमोदन के बाद इसे अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्यवाही के साथ साथ अभियुक्तगणों के द्वारा जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है उसकी भी पहचान कर उसकी जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी और अब इसमें आगे विधिक कार्यवाही की जा रही है। गोरखपुर पुलिस ने गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का आयोजन बुधवार की सुबह किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि 26 जनवरी को पुलिस लाइन में परेड का आयोजन होगा, इसके लिए रिहर्सल किया गया, पूर्वाभ्यास की कमान संभाली। इस दौरान परेड में सशस्त्र पुलिस बल जिसमें महिला और पुलिस दोनों पुलिसकर्मी शामिल हुए, यातायात पुलिस, डॉग स्क्वाड, रेडिया फायर सर्विस सहित टीम परेड में शामिल रही। इस दौरान एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने ग्राउंड में चल रही साफ सफाई और साज सज्जा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिये जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन में कल गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन किया जाएगा जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त गोरखपुर मंडल उसके चीफ गेस्ट रहेंगे, उनके द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी और इसमें कई टोलियां हमारी सम्मिलित रहेंगी जिसमें विशेष रूप से पुलिस की टोलियों के साथ साथ हमारी जो दंगा नियंत्रण उपकरण है और बाकी जो चीज़ें उसमें हैं वो सारी की टोलियां शामिल रहेंगी और एक भव्य परेड का आयोजन पुलिस लाइन गोरखपुर में किया जाएगा। गोरखपुर पुलिस को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने अलर्ट कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों सहित समस्त थानेदारों और चौकी प्रभारियों को सभी संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग करने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने बताया कि सभी प्रमुख स्थलों पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन पूर्वक चेकिंग की जाएगी, साथ ही इलाके में पैदल गश्त और पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया है। इस अवसर पर एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर गोरखपुर जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर पुलिस की तरफ से जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों और गस्टेड ऑफिसर को निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग बनाए रखें, बैरियर लगा करके संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जाए। इसके अतिरिक्त जितने भी होटल, ढाबे, गेस्ट हाउसेज, लॉज वगैरह हैं उनकी भी चेकिंग की जाए। जो व्यक्ति वहाँ पर रुक रहे हैं उनकी जानकारी की जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार की गड़बड़ी फैला सकता है या इस तरह की कोई हरकत कर सकता है उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण में ये पूरा जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसके पूरा इंतजाम किया जाए। पुनः मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को और प्रदेश वासियों को इस हमारे इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।